हेलो एवरीवन, हेलो। चलिए हम लोग आगे की तरफ पढ़ रहे हैं। तो हमने ये दो ही क्वेश्चंस लिख रखे हैं और इन दो क्वेश्चंस पे हम पर चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले आप ध्यान से बातें को समझ लीजिए। पहले इन दो क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। क्या क्वेश्चन है पहला? पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले नीचे वाले सॉल्व कर लेंगे तो नीचे स्पेस हो जाएगा, फिर ऊपर वाले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा था? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किसकी बात कर रहे हैं? क्यूब की। क्यूब इस तरह से होता है, ये क्यूब होता है, इसको आप जानते हैं, जिसको आप घन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घन। ये क्यूब है आपका, इसकी साइड हमने लेट कर ली स्मॉल ए। साइड ऑफ क्यूब कितनी मान ली हमने? साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल ए, या एज ऑफ द क्यूब इज स्मॉल ए। चेक करिए, इसमें कहीं कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। फिगर अपना समझ लीजिए, बना लीजिएगा ठीक से। तो क्या कह रहे हैं? द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो क्यूब कौन? वॉल्यूम। वॉल्यूम ने डीवी अपॉन डीटी की वैल्यू दे रहे हैं, कितनी? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, अच्छी बात है। हाउ फास्ट इज द एरिया? हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग? एरिया मतलब इसका जो वक्रपृष्ठ है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है। हाउ इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इंक्रीजिंग, किस तरह से चेंज हो रहा है, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू पूछ रहे हैं। कब? व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स एज, एज मतलब साइड, एज यानी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये मैथमेटिकल डाटा हो गया। ये दो वैल्यू दी गई, ये वैल्यू ये दी गई, और इससे इसकी वैल्यू निकाली इस पर, ए इज इक्वल टू 10 पर। तो आइए सबसे पहले इसका यूज करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। तो जरा बताइए डी वी अपॉन डी टी हमारे हिसाब से कितना निकलेगा यहाँ पे? 3 ए स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी आएगा। देखिए डीवी अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कराएंगे, 3 पावर आ गया, 1 पावर कम आएगी, क्या ये टी है? नहीं है, तो डी अपॉन डी टी आ जाएगी। जरा वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू कितनी आपके पास है? 9, 9 इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर और डी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी निकल आई आपके पास? 9 अपॉन 3 ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3 अपॉन ए स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ये डी अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, उसके वक्रपृष्ठ में क्या चेंज आ रहा है। यानी कैपिटल ए की बात करिए, कैपिटल ए इक्वल टू क्या होता है? 6 ए स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू निकालने जा रहा है, डिफरेंशिएट कराया विद रिस्पेक्ट टू, तो 2 ए इनटू डी ए अपॉन डी टी। चेक करिए, 6 ऐसे निकाल रहा, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 ए डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो 12 ए इनटू 3 अपॉन ए स्क्वायर रख दिया, एक ए से कट गया, तो बाकी 36 बटे ए। यहां तक देख लीजिए, कोई दिक्कत हो बताइए। ये डी ए पॉन डी टी हमारे हिसाब से निकल के आया। अब एक बात पूछो, इन्होंने डी ए पॉन डी टी वैल्यू कब पूछी है? जब ए की वैल्यू 10 है, तो डी ए पॉन डी टी एट ए इज इक्वल टू 10 कितनी वैल्यू दे देगा? 36 अपॉन 10 यानी 3.6। अब इसकी यूनिट कितनी होगी? तो एरिया, एरिया किस में चलता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ये सरल सवाल था, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, नोट करिए जल्दी फटाफट। रबड़ कर जाता है फिर एक तो खत्म हो रही, फिर दिक्कत पड़ेगी हमारी, है ना। दो डिब्बी लाए तो बड़ी मुश्किल से वो भी खत्म हो गई। चलिए कोई बात नहीं, देखा जाएगा फिर इसकी, फिर कहीं दोबारा में खाई जाएगी। आइए मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब आइए सर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा ध्यान से। क्या लिखा है? ए स्पेरिकल बॉल ऑफ ए सॉल्ट, नमक की एक गेंद है, नमक की एक बॉल है, सॉल्ट की एक बॉल बना ली गोल गोल, स्पेरिकल बॉल है, गोले की तरह बॉल है, गोला है, नमक का एक गोला है, नमक का एक गोला, समझ रहे हैं ना, गोल बॉल है, उसको क्या क्या पानी के अंदर ऐसे डाल दिया, तो नमक की बॉल क्या होगी? डिजॉल्व होगी, घुलने लगेगी उसमें धीरे धीरे, और उसका वॉल्यूम घटने लगेगा। बिल्कुल सही बात है, तो वही बात इसमें कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? स्फेरिकल बॉल ऑफ ए सॉल्ट इज डिजॉल्विंग इन द वाटर सच ए मैनर दैट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू, कह रहे हैं डिक्रीज ऑफ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, डी वी अपॉन डी टी की बात कर रहे हैं। डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू
द सरफेस एरिया ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक कोई स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम होता है वी 4/3 πr³ होता है, कितना होता है 4/3 πr³, और जो इसका एरिया होता है एस नाम दे देते हैं, एस लिख लेते हैं, ए हटा देते हैं, एस कर लेते हैं, एरिया वो 4πr² होता है। तो का स्फेरिकल बॉल ऑफ द सॉल्ट डिसॉल्विंग द वाटर इज सब प्रोपोर्शनल टू इन सच ए मैनर दैट द डिक्रीजिंग दैट द रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द बॉल एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, सरफेस यानी सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो मतलब समझिएगा जो उसका रेट ऑफ चेंज है किसमें, वॉल्यूम में, वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है किसके प्रोपोर्शनली डिक्रीज कर रहा है, बेटा सरफेस एरिया प्रोपोर्शनली डिक्रीज कर रहा है, ठीक, अच्छी बात है। तो कह रहा है प्रूव दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट, प्रूव करना है कि रेडियस इज डिक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट, इसका जो डिक्रीज इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, कॉन्स्टेंट आनी चाहिए। क्वेश्चन आपको डीवी अपॉन डीटी की वैल्यू आपको गिवन, कंडीशन गिवन की गई है, और डीआर अपॉन डीटी की वैल्यू कांस्टेंट प्रूव करने को कही जा रही है, ठीक। चलिए सर आइए ध्यान देना, एक एक सेकंड, डीवी अपॉन डीटी, चलिए हमने लिखा डीवी अपॉन डीटी इस जो गिवन है उसको पहले बढ़ा रहे हैं, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, कांस्टेंट के का गुणा करेंगे एस। अब एक चीज सुनिए जरा, डिक्रीज कर रहा है इसलिए यहां पे माइनस लगा के चलेंगे लोग, ये माइनस के एस आ जाएगा, और S की वैल्यू कितनी होती है, सरफेस एरिया किसके किसके बराबर होता है, K into 4πr² तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन में गिवन किया गया है dv upon dt minus 4kπr² ठीक, कितनी बात होती होगी, dr upon dt की वैल्यू निकालिए, चलो निकाल लेंगे, लेकिन हम बात किससे करते हैं, वॉल्यूम से, वॉल्यूम उठा लिए, v is equal to 4/3 πr³। अब जरा एक काम करिए, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट कराइए, dv upon dt इज इक्वल टू 4/3 πr² और dr upon dt, चेक कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू आपको गिवन की गई कितनी, माइनस 4kπr² इक्वल टू 3 से 3 कट गया 4πr² और ये dr upon dt, देखो 4πr² खत्म, यानी dr upon dt वैल्यू कितनी आई इज इक्वल टू माइनस k, और माइनस k, k क्या है, कांस्टेंट है ना, तो प्रूफ हो गया कि dr upon dt क्या लिखा है, प्रूफ दैट रेडियस ऑफ डिक्रीज, रेडियस डिक्रीज, रेडियस का जो डिक्रीज हो रही है एट कांस्टेंट रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रूफ करने का आ गया था। कितना आसान सवाल है, थोड़ी बुद्धिमानी लगाई आपने, हो गया सवाल, नोट करिए अच्छे से फटाफट, विधिवत तरीके से इसको नोट किया जाए, कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिए, अभी आपने जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, है ना, अब इसमें कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने 7-8 क्वेश्चन आपको लगातार करवा दिए, 8-9 क्वेश्चन ऊपर पहुंच गए होंगे अब तक, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत दिक्कत वाला भी नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा पढ़ देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग अगर लिख पाइएगा तो, मैं किताब की बात करेंगे, जी जब द रेडियस लिख देते हैं, द रेडियस आर ऑफ ए, द रेडियस ऑफ, चलिए अब सुनो बहुत ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमने लिख लिया पहले, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है इसलिए मैं आपको वेट ना कराएं, लिखा है द रेडियस आर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, पहले राइट सर्कुलर कोन बना लिया जैसे, दिस इज द राइट सर्कुलर कोन, इसकी जो रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज स्मॉल r, गिवन कर रहा है, इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रही है, रेडियस कैसे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज, यानी dr अपॉन dt की वैल्यू आपको दे रहे हैं, कह रहे डिक्रीज कर रही है, कितनी माइनस 2 डिक्रीज कर रही है, तो माइनस लग गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये गिवन है, एक बात हो गई, एंड इट्स हाइट, हाइट कौन है h, दैट इज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज कर रही है, यानी dh अपॉन dt की वैल्यू दे रहे हैं, वो इंक्रीज कर रही है, कितनी 3 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से इंक्रीज कर रही है। तो कह रहे हैं व्हेन,
when r is equal to 3.5 and h is equal to 6 cm, उस condition में the rate of change of its volume, volume यानी dv, dv upon dt की value आपको निकालने को कही जा रही है। कब? जब ये r की value और h की value। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दो चीजें चल पड़ी, यहाँ दो variable हो गए, एक r और एक h, दोनों change हो रहे हैं, दोनों में change हो रहा है, यानी यहाँ पे कितने variable हैं? दो variable का काम करेंगे। चलिए volume का formula लिखते हैं पहले। volume of the cone is equal to 1 by 3 pi r square h, इतने कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? Differentiating both sides with respect to t लिख देंगे, यहाँ क्या रहेगा? dv upon dt is equal to 1 by 3 pi constant बाहर कर दिया, यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे differentiation करेंगे, किसका? Differentiation with respect to t r square into h square, ये first into second लगेगा बेटा यहाँ, बस यही ध्यान देना है। तो 1 by 3 pi bracket लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंस है तो एच का डिफरेंशिएशन dh / dt कहलाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2r * dr / dt। चेक करिए, देखिए r स्क्वायर को ऐसे लिखा, h का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करें तो dh / dt आएगा, h को ऐसे लिखा r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और ये t नहीं तो दोबारा तो dr / dt आ गया। अब dh / dt, dr / dt की वैल्यू दे रखी है उन्होंने सवाल में, कितनी दे रखी है? कितनी है dh / dt की वैल्यू? dh / dt की वैल्यू प्लस की 3 है तो 3, और h into 2r और dr / dt वैल्यू कितनी? माइनस की 2, माइनस की 2 रख दिए। कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, 1 by 3 pi, यहां वैल्यू कितनी आएगी? 3r square माइनस 2 दूनी 4, 4rh, चेक करो। अब देखिए r और h की वैल्यू बताई गई, r की वैल्यू इतनी, h की वैल्यू इतनी रख दिए, इसमें रख दीजिए तो 1 by 3 यहां पे निकालने जा रहे हैं dv / dt, कब? जब r = 3.5 एंड h = 6, कितनी वैल्यू देगा? यहां रखिएगा 1 by 3 पाई ब्रैकेट 3 r के लिए 3.5 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू 3.5 इनटू h, h कितना है? 6, और इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर निकल आएगा। और पाई की वैल्यू कितनी यूज कर देनी? 22/7, पूरा रख के कैलकुलेट कर देना और आंसर कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसमें इसको कैलकुलेट हम नहीं कर रहे हैं, अब कर लेंगे। दिख नहीं रहा है क्या? दिखा देते हैं, देखो झुका दिया हमने पूरा, दिख गया होगा, दिख गया ना? नीचे का नहीं दिख रहा था इसलिए हमने झुका दिया, अब देख लीजिए फटाफट, इसके बाद हटा देते हैं वापस। ओके ठीक, चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिखता, कभी कभी हो जाता है, कहाँ तक मांगे पीछे करते रहे। चलिए तो इसको कर लीजिएगा कैलकुलेट, हम आंसर लिख दे रहे हैं, कैलकुलेट करना, आंसर यही आएगा माइनस का 49.5 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस का 49.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट आएगा, माइनस का 49.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यही आंसर आएगा। तो ये कैलकुलेट आपको करने के लिए छोड़ दिया है, कैलकुलेट करने के लिए आपको छोड़ दिया है, ठीक, नोट करिए फटाक से। हाँ तो भाई ये अगला क्वेश्चन हमने लिख लिया आपके लिए, अब इसकी बात करते हैं। देखा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, एक पाइप ऐसे लगा लिया इस तरह से और इस पाइप से बालू गिर रही है, सैंड मतलब बालू, ध्यान से समझिए, इस तरह से एक पाइप है और इस पाइप से सैंड ऐसे गिर रही है जमीन में नीचे की तरफ ऐसे, और जमीन पे गिरने में क्या हो रहा है यहाँ पे? सैंड इस सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ, कितनी स्पीड से गिर रही है? 12 सेंटीमीटर क्यूब, 12 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम की बात हो गई, तो dv / dt की वैल्यू दे रहे हैं कितनी? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से गिर रही है, ठीक ऐसे गिर रही है इस जमीन पे, इस पाइप से ऐसे वॉल्यूम नीचे, बालू नीचे गिराई जा रही है। फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन, और ये जब बालू गिर रही है नीचे तो क्या बना रही है? ये ऐसे गिरती जा रही है इस तरह से, तो धीरे धीरे एक तरह गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, तो एक तरह से क्या बन गया? कोन बन जा रहा है इस तरह से। अगर ऊपर से ऐसे बालू गिराई जा रही है तो गिरती जा रही है, गिरते ऐसे बैठती जा रही है नीचे, और देखते देखते धीरे धीरे वहां क्या बन गया? एक कोन बन गया, फॉर्म्स ए कोन, कोन फॉर्म हो गया, ये बालू का कोन बन गया। ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे, किस तरह से? द हाइट ऑफ द कोन इज, हाइट यानी ये एच, हाइट ऑफ द कोन इज, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, रेडियस हमने कहा साहब आर है, तो हाइट के बारे में क्या कहें? हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस, रेडियस की 1/6 है, 1/6 भाग है, 1/6, 1/6, 1/6 किसका? रेडियस का, तो रेडियस का 1/6 कर दिया के बराबर है।
ठीक, तो आगे आपके पास समझ में आएगी, हाउ फास्ट इज द हाइट, हाउ फास्ट इज द हाइट यानी dh अपॉन dt की बात कर रहे हैं, ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग क्वेश्चन मार्क, कब, व्हेन h इज इक्वल टू 4, जब h की वैल्यू कितनी है 4 है, उस कंडीशन में आपसे इबादता करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आपको गिवन किया गया। dv अपॉन dt की बात करें यानी वॉल्यूम की पहले हम लोग बात करें, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब जरा एक चीज निकालनी क्या है, dh अपॉन dt, dh अपॉन dt कब निकालनी, जब वेरिएबल कौन हमारा एच है, यानी हमको एक काम करना पड़ेगा सर, इस पूरी इक्वेशन को इन द टर्म्स ऑफ एच चेंज करना पड़ेगा, तो 1/3 पाई ऐसे लिखा रहा, आर की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बेटा, यहां से आर स्क्वायर होगा जाएगा 6h के बराबर आ जाएगा, तो यहां पे आर की 6h का होल स्क्वायर इनटू एच लिख दिया, कैलकुलेट किया तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई 36 एच स्क्वायर इनटू एच यानी एच क्यूब, कैलकुलेट करें तो 12 पाई एच क्यूब, ये कौन आया, वी आ गया, यानी वॉल्यूम आ गया इन द टर्म ऑफ एच। हमने वॉल्यूम को किसके पदों में व्यक्त कर दिया, वॉल्यूम को हमने एच के टर्म्स में चेंज कर लिया, क्यों एच के टर्म्स में, आर को क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर हम आर को रखते तो सवाल में कहीं में आर की वैल्यू मिल गई तो बाद में हमारे लिए दिक्कत करता, इसीलिए इस इक्वेशन का यूज करके हमने आर को रिमूव कर दी, एच के टर्म्स में वैल्यू रख ली। अब इसका डीवी अपॉन डी टी निकालू, डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 पाई ऐसे लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3 एच स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी, बोलो सही है, इसकी वैल्यू आपको दी गई कितनी 12, तो 12 यहां रख दी गई, 12 पाई इंटू 3 एच स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी, एक बात बताइए 12 से 12 कटेगा, ये सब नीचे जाएगा, तो 1/3 पाई एच स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी एच अपॉन डी टी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जिसको थोड़ा ऊपर ले ले रहे हैं, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से निकालिए डी एच अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, डी एच अपॉन डी टी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 पाई एच स्क्वायर। अब एच की वैल्यू आपको दे रखी गई है एट एच स्क्वायर टू 4, तो डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी एट एच स्क्वायर टू 4 पर 1/3 पाई 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/48 पाई, ठीक। ये क्या है h, h क्या होती है, h यानी हाइट, हाइट की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर होंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन इज क्लियर कि नहीं क्लियर, हो गया ना क्लियर, नोटेट जल्दी से फटाक से नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिटा दें इसको, ठीक है अब समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है, ठीक। तो ये किस तरह से हम लोग काम करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, तो रेट ऑफ चेंज कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, क्वेश्चंस को ढूंढिए करिए, एक्सरसाइज आपके पास होगी, एनसीईआरटी की बुक है उसी से लगाइए, जो भी बुक है उससे लगाने की कोशिश करिए, जो क्वेश्चन नहीं है उनको बताइएगा, है ना, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब छोटा क्वेश्चन है, छोटे छोटे तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिख जाएंगे, फॉर द कर्व, फॉर द कर्व वाई इज इक्वल टू 5x - 2x³ इफ एक्स इंक्रीज, इफ एक्स इंक्रीज एट द रेट, एक्स इंक्रीज एट द रेट 2 यूनिट, अब की आप सेंटीमीटर वगैरह ने यूनिट पर सेकंड बोल दिया, तो हम भी आंसर जब करेंगे यूनिट के हिसाब से लिखते हैं, यूनिट पर सेकंड, देन हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ ए कर्व, ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ ए कर्व चेंजिंग, चेंजिंग, चेंजिंग व्हेन एक्स इक्वल टू, व्हेन एक्स इक्वल टू 3, कर्व चेंजिंग, चेंजिंग व्हेन एक्स इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन है। अब एक चीज सुनिए, द कर्व हमको क्या दे दिया, वाई इक्वल टू, जैसे वहां पे हम लोग फॉर्मूला सोचना पड़ता था, इन्होंने फॉर्मूला बना के हमको दे दिया, एक्स इज इंक्रीजेस, एक्स इंक्रीज कर रहा है, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू दे रहे हैं, कितनी है 2 यूनिट पर सेकेंड, तो कह रहे हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ कर्व
चेंजिंग हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग, हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, हाउ फास्ट द कर्व ऑफ द स्लोप ऑफ द चेंजिंग स्लोप ऑफ द कर्व, कर्व का स्लोप आपको याद होगा 11 में पढ़ाया था dy ओवर dx को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द कर्व बोला जाता है, dy ओवर dx को स्लोप ऑफ द कर्व बोलते हैं। तो हाउ फास्ट क्या लिखा है, हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग x इज इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू कितनी है, व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन dy ओवर dx हाउ चेंजिंग, इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, कोई दिक्कत, x increases at the rate of इतने यूनिट पर सेकंड, ये आपको दे दिया गया, चलिए क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें, चले आगे बढ़े कि नहीं, चलिए डिफरेंशिएट कराइए जरा पहले इसको। तो dy over dx को हम लोग क्या बोलते हैं, dy over dx को ही हमने क्या कहा है, dy over dx को क्या बोला है, स्लोप ऑफ द कर्व बोला जाता है। चलिए तो स्लोप ऑफ द कर्व की चेंजिंग पूछ रहे हैं, स्लोप ऑफ द कर्व की चेंजिंग, अब जरा समझना क्वेश्चन को पहले, इसको यहां पे हटा दें, तो हमने क्या बोला है आपको कि व्हेन, इसको हटाइए, dy dx नहीं पूछा जा रहा, व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो कर्व की स्लोप में चेंजिंग पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को जरा समझने को, हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ कर्व इज चेंजिंग, मतलब समझने की कोशिश करिएगा, स्लोप ऑफ कर्व यानी dy ओवर dx इसमें चेंज पूछ रहे हैं, इसमें चेंज क्वेश्चन मार्क है, स्लोप ऑफ कर्व में चेंज, जो कर्व का स्लोप है यानी dy dx उसमें चेंज पूछ रहे हैं। चलिए एक बात समझना ध्यान से, हमारे पास ये y है, इसका हमने कराया dy ओवर dx, इसका हमने कराया dy ओवर dx, क्या वैल्यू आएगी, 5 आएगा माइनस 6x आएगा, कोई दिक्कत है, इतनी बात है, कोई दिक्कत है इतनी बात में नहीं, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं अभी, क्योंकि हमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराया तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस dy dx को हम कोई नाम दे देंगे नया, हम यहां पे लिख देते हैं लेट द स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व dy ओवर dx इज इक्वल टू z, हमने नाम दे दिया कि जो स्लोप ऑफ द कर्व है उसका क्या नाम है, z है, तो dy dx इक्वल टू 5 माइनस x, तो इससे क्या आ गया, इसी को तुम z बोल रहे हो, ये आ गया, हमने स्लोप ऑफ द कर्व को क्या लिख कर लिया, z के नाम से लिख कर लिया। अब पूछा क्या जा रहा है, चेंज ऑफ द स्लोप ऑफ कर्व यानी d, अब इसको अगर हमने z नाम दे दिया, इसको अगर हमने z नाम दे दिया तो हमारा अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dz / dt की वैल्यू निकालनी है, dz / dt की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा किसका डिफरेंस, अब यहां क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आएगा, dz / dt इज इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 0 होगा माइनस 6, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dx / dt हो जाएगा, t की वैल्यू आपको दी है, dx / dt की वैल्यू दी गई, रख दीजिए आप 6 * 12 कितनी वैल्यू आ गई, माइनस 12 12 यूनिट पर सेकंड, क्लियर हो गया क्वेश्चन, 12 यूनिट पर सेकंड आंसर बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको ठीक से कहीं, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, हाँ दिक्कत है, गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे यहाँ 5x माइनस 2x क्यूब दिया गया था, तो हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 पावर आ गया, एक पावर कम होती है 2 आएगा, ये गलत कर रहे हैं, देखिए देखिए मिस्टेक हो रही है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पे कितना जाएगा 6x और dx / dt ये बनेगा, पूरा चेंज हो गया, गड़बड़ हो गया ना, अब ऐड dz / dt की वैल्यू कब, जब x = कितना है 3 है, रखिए 3 गुणे x की वैल्यू कितनी है 3, यहां 3 रख दी गई और dz / dt की वैल्यू कितनी है, ये 2 है, dz / dt की वैल्यू कितनी है 2 है, चेक करो कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, अभी भी गलत हो रहा बेटा, ये 2 पावर आ गया, जब इसका डिफरेंशिएशन करो तो 12 हो जाएगा, 12x, तो 12 इंटू 3 और dz / dt की वैल्यू कितनी 2, तो ये कैलकुलेशन करिए तो माइनस 72 यूनिट पर सेकेंड, मिस्टेक हो गई थी क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन हम लोग गलत लिख गए हैं जल्दी में, ठीक है ना, तो यहाँ मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश, हाउ फास्ट द स्लोप, हाउ फास्ट द स्लोप चेंज,
स्लोप के चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले स्लोप निकालिए, स्लोप को एक नाम दीजिए, हमने नाम जेड दिया, उसका चेंज पूछा है, इस चीज को समझना बस, और कोई बात नहीं, खास बात समझने वाली यही है। क्लियर हो गई बात की नहीं? हाँ समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना ठीक से? अब ठीक से दिख रहा है, ऊपर वाला दिख रहा है, सब दिख रहा है ठीक। क्वेश्चन क्लियर? चलिए क्लियर हो गया, तो इस तरह क्वेश्चन भी अब थोड़े समझ में आने चाहिए आपको, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, करें फाइंड आउट द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व, कर्व पे पॉइंट निकालना है, कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 8, फॉर विच द एप्सिलॉन, फॉर विच द एप्सिसा एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट। ये क्वेश्चन है, करें फाइंड द पॉइंट, पॉइंट आपको निकालना है, पॉइंट निकालना मतलब x और y की वैल्यू मिल जाए तो पॉइंट बना देंगे हम लोग, है ना, x की वैल्यू y की वैल्यू मिल जाए तो पॉइंट बन जाए, फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे निकालना है, फॉर विच एब्सिसा मतलब भुज, ऑर्डिनेट मतलब कोटि, इनका जो चेंज है, भुज का चेंज और कोटि का चेंज, यानी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट का चेंज सेम है, तो भुज का नाम x होता है, किसका चेंज, चेंज का मतलब रेट ऑफ चेंज की बात हो गई, डी एक्स अपॉन डी टी, और कोटि यानी ऑर्डिनेट उसका चेंज, दोनों कहना सेम यानी बराबर हो गया, हमने मान लिया कितने बराबर है, k के बराबर, ये गिवन है आपको क्वेश्चन, ये गिवन कर दिया गया, पॉइंट पूछा जा रहा है। चलिए सवाल ले लेते हैं, क्या लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स डब्ल्यू आर टी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आ जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों साइड का t की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y y का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे डी वाई अपॉन डी टी, एक्स का दोबारा डी एक्स 8 का 0 हो जाएगा, ये वाला चलिए कैलकुलेट करिए जरा, यहाँ पे कितना आ गया वाई, वाई टू से इसको काट दिए, टू से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो y dy upon dt is equal to 4 into dx upon dt, अब जरा सुनना कुछ दिया गया है, कह रहे हैं दोनों वैल्यू बराबर है, dx upon dt की वैल्यू भी k है और dy upon dt की वैल्यू भी k है, तो k रख दिया, k से k कट गया, तो y की वैल्यू मेरे को मिल गई कितनी, 4, y की वैल्यू मिल गई सर, अब ये y की वैल्यू उठा के यहां रख दी जाए, पुट y = 4 इन y² = 8x + 8 इसमें रख दीजिए, क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 4 रखो, 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स प्लस ये, ये 16 माइनस 8 बराबर 8x के, 8 बराबर 8x के, x बराबर कितने के, 1 के, तो पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट आएगा 1, 4, खत्म सवाल, सिंपल सवाल था, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है ना, हो जाएगा, नोट करिए फटाफट से, फटाफट नोट करिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े कि ना बढ़े, increases twice as its sign। क्वेश्चन को क्लियर करिए, क्वेश्चन को क्लियर करिए, क्या बोला जा रहा है, इट इंक्रीज कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, थीटा में चेंज हो रहा है, चेंज कराते हैं, थीटा में चेंज यानी डी डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा में चेंज द एंगल थीटा विच इज इंक्रीजेस, जो इंक्रीज कर रहा है, किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, ट्वाइस
विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट, एज फास्ट कैसे इंक्रीज कर रहा है, एज फास्ट एज इट्स साइन, जैसे उसका साइन बढ़ रहा है वैसे उसका थीटा बढ़ रहा है, जैसे उसके साइन में चेंज आ रहा है, साइन साइन मतलब साइन कॉस वाला साइन की बात हो रही, जैसे उसके साइन में चेंज आ रहा है, साइन में चेंज आ रहा है, साइन थीटा में जो चेंज आ रहा है उसके ट्वाइस और उसके एंगल में, वो दोनों आपस में बराबर, ठीक है, फाइंड एंगल थीटा, थीटा निकालना है, व्हिच इंक्रीजेस, यानी थीटा इंक्रीज कर रहा है, डी थीटा अपॉन डी टी, कैसे इंक्रीज कर रहा है, ट्वाइस एज फास्ट एट इट्स साइन, उस एंगल का जो साइन जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वो थीटा इंक्रीज कर रहा है, ये बात इन्होंने करी है, समझ में आएगा क्वेश्चन का मीनिंग, समझ में आएगी जो गिवन है आपको, ठीक। अब इसकी इतनी बात समझ में आएगी तो अब आगे बात बढ़ाइए, इसको क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, चेक करिए क्योंकि आप इस पर थीटा डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, डी थीटा अपॉन डी थीटा से डी थीटा कट गया, ये कट गया क्या, कट जाएगा बिल्कुल कट जाएगा, इधर कितना गया 1 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा के, क्या निकाला पॉइंट थीटा, थीटा की वैल्यू निकाली तो 1 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा के, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3 के, तो थीटा कितना आ गया पाई बाय 3, अब देखो ये थीटा की वैल्यू कहां के बीच में मान निकालने का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि कॉस एंगल और पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, वो आंसर नहीं चाहिए उनको, कहां चाहिए यहां पे चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो चलिए यहां तक हम लोग पहुंच गए, लगभग हम लोग 15-16 एग्जांपल आप तक कर चुके हैं, है ना, इसके बाद आगे और करेंगे, कल एक और क्लास होने के बाद, मतलब दो क्लास यहाँ हो जाएंगी सुबह शाम की, तो लगभग ये चैप्टर किनारे पे हो जाएगा, फिर हम उसके बाद अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए कंप्लीट करते हैं।